नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे नाइट्रोलॉन्ग 2.6 mg टेबलेट के बारे में। नाइट्रोलॉन्ग 2.6 mg टेबलेट को मशहूर कंपनी मैनकाइंड कंपनी बनाती है, जिसकी प्राइस है 222 रुपये और 13 पैसे पर पैक। ये 30 टेबलेट की पैकिंग में होती है। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो है नाइट्रोग्लिसिन कंट्रोल रिलीज टेबलेट 2.6 mg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। नाइट्रोलॉन्ग 2.6 एमजी टेबलेट एक नाइट्रेट का प्रकार है, जो एंजाइना यानी चेस्ट से रिलेटेड, अगर आपको हार्ट अगर मतलब क्या हो रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है तो उसमें, और हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो उसके इलाज में इसको यूज कहते हैं। अगर आपको हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन बन रही हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर सर्जरी के दौरान आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है, यानी कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कोई बड़ा ऑपरेशन या सर्जरी होने वाली होती है, तो उस टाइम क्या होता है सर्जरी से पहले मरीज का बीपी बढ़ जाता है, तो उस बीपी को नॉर्मल करने में इस टेबलेट का यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है। इनके साथ ही अगर आपको क्रॉनिक एनाल फिशर की समस्या है, यानी मतलब क्या होता है कि एक पहली स्टेज होती है बवासीर की, उसमें उसकी अगर आपको समस्या है तब भी कई बार डॉक्टर इसे यूज़ में लेने की आपको सलाह दे सकते हैं। चेस्ट पेन की समस्या आपको तब होती है जब आपके हार्ट के मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ये टेबलेट क्या करते हैं उस टाइम ब्लड वेसल को रिलीज करते हैं और उन्हें चौड़ा करते हैं, जिससे आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक आसानी से फ्लो हो सकता है और आपको ऐसी जितनी भी समस्या है उसमें आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। ये हार्ट की ऑक्सीजन की मांग को कम करती हैं और हार्ट के वर्कलोड को कम करती हैं, जिससे आपको एंजाइना और हार्ट अटैक जैसी सभी समस्याओं में राहत मिलती है। इसे कार्डियोवास्कुलर टेबलेट भी कहा जाता है, यानी कई बार डॉक्टर्स इस टेबलेट को हार्ट अटैक में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो हार्ट अटैक के टाइम पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हो सकता है, लेफ्ट साइड के कंधे और लेफ्ट साइड के हाथ में तेज दर्द होना, गर्दन की लेफ्ट साइड उनको दर्द होना और मरीज को चक्कर आके बहुत ही तेज पसीना हो सकता है, तो ऐसे में ये टेबलेट काफ़ी अच्छी दवा है। और भी अगर आपको मतलब क्या होता है कि एक कोरोनरी वास्पस ट्रांसफर का एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो मतलब कम हो जाता है या कई बार तो बिल्कुल रुक जाता है, तो भी उस टाइम इसे यूज़ मिला जाता है, जिससे कि आपको इसी सभी समस्या में आराम मिलता है। और आपको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो भी उस सर्जरी के बाद डॉक्टर इसे रेगुलरली यूज़ करने की सलाह आपको दे सकते हैं। सावधानी की अगर बात करें इस टेबलेट की, तो अगर आप अपने फेफड़ों में मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की अगर आप पहले कोई दवाई ले रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज की अगर आपको कोई दवाई चल रहे हैं, आपको एनीमिया यानी खून की कमी है, या फिर आपको ग्लोकोमा यानी आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसे में इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना है। मतलब नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो इस टेबलेट के यूज़ के टाइम आपको स्पेशली सिल्डेनाफिल साइट्रेट मतलब जो वाइग्रा मैनफोर्स टाइप की जो गोलियाँ होती हैं उस तरह की दवाएँ आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो भी इसी कंडीशन में इसका यूज़ करने से पहले आपकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। और इस टाइम आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है। डोज की अपन बात करें तो एनल फिशर की समस्या में इसका लो डोज देकर इलाज किया जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम्स में इसका जो नॉर्मल डोज रहता है वो है एक टेबलेट दिन में एक बार, आप इसे भोजन से पहले लें तो वो ठीक रहेगा, और सीरियस कंडीशन में इसे दिन में दो बार भी आपको लेने की कहा जा सकता है। स्टार्टिंग में इसे 2.6 mg मतलब इसे नॉर्मल डोज से स्टार्ट किया जाता है, पर जब इससे आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही मतलब कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर इसकी डोज बढ़ाकर 6.4 mg की टेबलेट आपको दी जाती है। इस टेबलेट को ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग या फिर लंबे समय तक यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखें कि इसे आपको कभी भी मन से लेना बंद नहीं करना है। जब तक आपको डॉक्टर आप मना नहीं करें तब तक आप इसे लेते रहेंगे। जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे आपको ब्लर्ड विजन यानी धुंधली दृष्टि होना, पैरेस्थेसिया यानी झुंझुनी या फिर चुभने सा फील होना, हार्ट रेट बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर आपका घट सकता है। हो सकता है आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन खड़े हो या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।